हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर माय चैनल रजनी व्लॉग्स। तो फ्रेंड, जो भी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ ट्रेड फेयर, वहीं का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वहाँ का व्यू है। तो फ्रेंड्स, ट्रेड फेयर हो और भेलपुरी वाला ना हो ऐसा नहीं हो सकता। भेलपुरी वाला हर जगह मिलता है। तो ये देखिए, लगा हुआ है ट्रेड फेयर। सारा दिन स्कूल ट्यूशन भाग दौड़, सोचा आज बच्चों को इन्जॉय कराया जाए थोड़ा सा, तो इसलिए बच्चों को ट्रेड फेयर घुमाने के लिए ले आई। यहाँ कर रही हूँ मैं टिकट का वेट, बच्चे गए हैं टिकट लेने के लिए। तो फ्रेंड, चलते हैं ट्रेड फेयर के अंदर। वो है बजाने वाले, आज बजा नहीं रहे इनको, नहीं बजा, किसने बजाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हो रही है एंट्री। यहाँ बिना टिकट के कोई एंट्री नहीं है। यहाँ एक लेडीज बिना टिकट के आ गई थी, उसे वापस भेज दिया गया। ये देखो, ये जा रही है, पर हमने तो टिकट लिया था इसलिए हम अंदर आ गए थे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये लगा हुआ है ट्रेड फेयर, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रौनक है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, पहले तो ये ट्रेड फेयर हर साल लगता था, लेकिन जब से कोरोना आया है तब से ये अब लगा है। मतलब 2018 में शायद लास्ट लगा था, उसके बाद अब लगा है ये। तो हम हर साल ही आते थे देखने। तो ये देखिए, स्टॉल लगे हुए हैं वूलन के, वूलन सॉक्स हैं, वूलन स्वेटर हैं, और ये बच्चों के आइटम्स हैं कुछ। ये देखिए, ये स्पंज है, आप जैसे मर्जी जितना मर्जी निचोड़ लेना आप इसको, हल्का सा क्लीन करना, क्लीन करने का फिर आप करता कितना भी कब गंदा होता है, नॉर्मल से नॉर्मल पानी में निकाल के इस तरह क्लीन कर लेना। फर्श वगैरह सनमाइप वगैरह पे यूज़ करते हो आप, उसमें नॉर्मल से नॉर्मल ये क्या रेशा वगैरह होता है उसको भी क्लीन करता। प्लस खासियत एक और है इसकी, आप इतना सारा पानी एक साथ उठा नहीं पाओगे। ये आधे घंटे का काम सिर्फ एक सेकंड में करता है, सारा पानी अंदर ऑफ करता है। ये 150 का है, और जैसे मर्जी जहाँ मर्जी यूज कर सकते हो उसको। ये कितने का है शावर जो लगा? ये दीदी 50 का है, ये 50 के 2 है। ये किसी भी टाइप में आ जाएगा? ये किसी भी टाइप में आ जाएगा, पक्का ना? हाँ, ये फ्लेक्सीबल है, दिखा दे दूँ मैं आपको। ये वाला ले ले, ये दीदी ये देखो, ये इंडियन है, चाइनीज नहीं है। कोई भी नल में कोई भी पाइप में लगा सकते हैं। ये क्या सिलिकॉन का बना हुआ है, गरम वॉश करने के लिए प्रेशर वाली का नहीं है। ये दिखा दो सर, गाड़ी वगैरह वॉश करने के लिए। ये कोई भी नल में कोई भी पाइप में लगा सकते हैं। ये तो ऊपर भाग रहा है, कोई बात नहीं। ये कितने का था? ये दे दिया आपको, ये 220 दिखा देता हूँ, वो भी सारे काम हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने एक शावर ले लिया था, और ये कुछ बच्चों के आइटम्स हैं। तो बच्चे यहाँ कुछ कुछ आइटम ले रहे हैं। ये डायनासोर का शो था जो बच्चों ने देखा था। मैं देखने नहीं गई थी क्योंकि मुझे डायनासोर से थोड़ा डर लगता है शुरू से ही। तो बच्चों ने देखा था, ये छोटा सा शो चल रहा था वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, जब मैं छोटी थी तो मैंने मूवी देखी थी जुरासिक पार्क, तब से मुझे थोड़ा सा डर लगता है इनसे, थोड़ा क्या ज़्यादा ही लगता है, इसलिए मैं नहीं देखती इनको। क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें मैंने देखी तो काफ़ी दिन तक मेरे माइंड में यही चीज़ें चलती रहती हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा बचती हूँ इन चीज़ों से। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बच्चे ही बना के लाए थे अंदर से जहाँ शो चल रहा था। ये वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, मैंने सिर्फ इसमें ऐड कर दिए। तो ये बच्चे आ चुके हैं बाहर शो देखकर। मैं अंदर नहीं गई थी क्योंकि मैंने बताया मुझे थोड़ा डायनासोर से डर लगता है, इसलिए मैं बाहर स्टॉल पर ही थोड़ा सा देखती रही, घूमती रही स्टॉल देख। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इयररिंग्स थे जो तन्नु को पसंद आए थे, जो हमने ले लिए थे। यहाँ पर तन्नु कुछ रिंग्स वगैरह देख रही है। ये देखिए, ये इयररिंग हमने लिए थे, तन्नु को पसंद आए थे। और ये कुछ शो पीस हैं, कुछ क्या बहुत ही सुंदर शो पीस थे यहाँ पर। ये देखिए राधा, राधा के एक से एक सुंदर शोपीस था, ऐसा मन करता है इनको देखते ही रहो। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ गेम्स भी थे, तो सोचा तनु को कृष्णा को थोड़े गेम्स खिलाती हूँ।
सारा दिन पढ़ने के बाद थोड़ा बच्चों को एंटरटेनमेंट भी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ वीडियो बन रही है रील के लिए, ये देखिए तन्नू शूट कर रही है बैलून को, ये कृष्णा कर रहा है, कृष्णा की बारी आई है देखो। तो फ्रेंड्स ये अब मेरी बारी है, मुझसे तो शूट ही नहीं हुआ, मुझे तो बंदूक पकड़ने में डर। तो फ्रेंड्स थोड़े गेम्स खेल के बच्चों का भी थोड़ा सा मूड चेंज हो जाता है। ये देखिए चल रही है गेम्स, सबने मिलके खेली हमने गेम, खूब इंजॉय किया बच्चों ने भी मैंने भी। देखिए कृष्णा को काफ़ी इंजॉय किया कृष्णा ने भी, अच्छा लगता है बच्चों के साथ इंजॉय करना और इनको इंजॉय कराना। तो ये देखिए कृष्णा का तो रह गया। तो फ्रेंड्स अब काफ़ी देर हो गई है और अब बच्चों को लग रही है भूख, तो चलते हैं देखते हैं फूड कोर्ट की तरफ क्या क्या आइटम्स हैं। वैसे तो यहाँ सब तरह के फूड स्टॉल लगी हुई थी, ये देखिए एक से एक थी सारी। तो अब देख रहे हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बच्चे डिसाइड करेंगे। तो ये देखिए सारी स्टॉल लगी हुई हैं, ये चिल्ली लगी हुई है, ये चीला लगा हुआ है, चीला मेरा फेवरेट है। तो फ्रेंड्स मैंने तो चीला ही खाया था, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, ये हेल्दी भी होता है। और ये देखिए बच्चों ने ली पाव भाजी, खाना भी ठीक ठीक था वहाँ पे, मतलब जो हमने आइटम्स लिए काफ़ी अच्छे थे तो नहीं लेकिन अच्छे थे, ठीक थे मतलब। तो फ्रेंड्स ये दोनों खा रहे हैं पाव भाजी और मैंने खाया था चीला। तो ये देखिए ये है मेरा चीला बेसन का, और ये मेरी आइसक्रीम जो मैंने खाई थी, मेरा मन कर रहा था। तो ये देखिए तन्नू खा रही है पापड़, तन्नू को पापड़ बहुत पसंद है। तो देखिए तन्नू अपने में ही मस्त है, उसे कुछ नहीं पता कि उसकी वीडियो भी बन रही है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये झूले लगे हुए हैं एक से एक सुंदर। ये देखिए सर्दियाँ हैं हल्की हल्की, उस टाइम तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, कभी एकदम से अंधेरा हो जाए, कभी एकदम से लाइटिंग हो जाए, म्यूजिक। तो फ्रेंड्स देखिए ये बन रहे हैं पोटैटो चिप्स, देखिए किस तरह से ये इनको फ्राई करता है, काफ़ी क्रिस्पी भी होते हैं ये। तो फ्रेंड्स ये देखिए एक नया आइटम है, बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, बच्चों को क्या बड़ों को भी पसंद आता है। तो ये आइटम बच्चों ने भी बनवाया था, ये देखिए सर्व करके कितना अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे से इसने सर्व करके दिया है हमें, काफ़ी क्रिस्पी था ये। तो फ्रेंड्स ये देखिए बच्चे कितने मज़े लेके खा रहे हैं इसे। तो ये देखिए फिर से पापड़ के स्टॉल पर आ गए हैं, तो हमने यहाँ से पापड़ लिए और घर के लिए। तो फ्रेंड्स हमने आगे से लिया था क्रॉकरी का सामान, कुछ बच्चों ने यहाँ से प्लेट्स ली थी, बाउल लिए थे कुछ। तो ये देखिए काफ़ी मैं तो पता नहीं क्यों कहाँ पर अटक जाती हूँ। तो यहाँ काफ़ी क्रॉकरी लगी हुई थी, ये देखिए इतनी सुंदर सुंदर क्रॉकरी थी, ये देखिए छोटी छोटी बाल्टियाँ। तो फ्रेंड्स अब हम पूरा ट्रेड फेयर घूम चुके हैं, पूरा तो नहीं घूमे लेकिन हाँ घूम ही लिए थे क्योंकि बच्चे थक गए थे और अब जाने का भी हो गया था टाइम, तो हम चलते हैं घर। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग कमेंट करके बताएँ। तो फ्रेंड्स ये ट्रेड फेयर लगा हुआ फरीदाबाद में सेक्टर 12 में, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।